हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे अध्याय दो वास्तविक संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं सिद्ध करना। ये हम अपने पहले वीडियो में कर चुके थे, उसका एक भाग हमने हल किया था। आज हम करेंगे दूसरा भाग, यानी पहले जो हमने पढ़ा था उसमें सिंगल संख्याएं जैसे रूट तीन, रूट दो, रूट सात, इस तरह की संख्याओं को अपरिमेय संख्याएं सिद्ध किया था। आज हम करेंगे कि अगर कोई संख्या सिंगल ना हो बल्कि उसके साथ में कोई और पूर्णांक मिक्स होकर के आए, जैसे तीन अंडर रूट सात या तीन प्लस अंडर रूट दो, इस तरह की संख्याएं, यानी रूट की संख्या के साथ में कोई और संख्या प्लस माइनस में, गुणा भाग में, किसी भी तरह से साथ में आए, तो ऐसे क्वेश्चन को किस तरह से हल करना है ये पढ़ेंगे हम आज। एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे सिद्ध कीजिए कि दो प्लस अंडर रूट पांच एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए कि दो प्लस अंडर रूट पांच एक अपरिमेय संख्या है। तो जैसे पिछले वीडियो में हमने देखा कि अपरिमेय सिद्ध करने के लिए हमें इसका विपरीत मानना होता है, यानी हम मानेंगे परिमेय संख्या, माना दो प्लस अंडर रूट पांच एक परिमेय संख्या है। इसलिए दो प्लस अंडर रूट पांच बराबर ए बटा बी, और जो ए और बी है, ए और बी क्या है, पिछले वीडियो में हमने देखा ए और बी सह अभाज्य पूर्णांक है, तो वही लाइन फिर से, यानी उस लाइन में कोई बदलाव नहीं होगा, जहां ए व बी सह अभाज्य पूर्णांक है, तथा बी इज नॉट इक्वल जीरो, यानी बी का मान शून्य नहीं हो सकता। अब देखिए, पिछले वीडियो में जैसे देखा कि जब अकेली संख्या थी तो जैसे हमने उसको ए बटा बी के बराबर रखा तो उसके बाद में दोनों ओर वर्ग किया, यानी दोनों पक्षों का वर्ग किया ताकि ये संख्या रूट से बाहर आए और फिर हम उसकी कैलकुलेशन ए और बी के साथ में कर सकें। लेकिन अब इस तरह के जो सवाल आए जहां अंडर रूट की संख्या के साथ में कोई और संख्या शामिल हो तो वहां हमें वर्ग नहीं करना, क्योंकि कैलकुलेशन करने के लिए रूट के साथ वाली जो संख्या है इसको हम ले जाएंगे दूसरी साइड, यानी दूसरे पक्ष के अंदर पक्षांतर करेंगे और उसके बाद में हम देखेंगे इसका नेक्स्ट स्टेप, या रूट पांच बराबर ए बटा बी। अब देखिए, ये दो जैसे दूसरे पक्ष में जाएगा, अभी कैसा है यहां धनात्मक और इधर आएगा तो हो जाएगा ऋणात्मक, यानी माइनस का दो। यहां एक चीज ये भी ध्यान रखनी है कि जब हम इस तरह के प्रश्नों में रूट की संख्या को अलग करेंगे, यानी एक पक्ष में अकेली रूट की संख्या को रखेंगे, तो ये रूट की संख्या धनात्मक होनी चाहिए, प्लस की होनी चाहिए। अगर किसी कारण से, मान लीजिए हमने यहां लिखा माइनस रूट पांच बराबर ए बटा बी माइनस दो, मान लो कि ये वाली संख्या माइनस की रहती है, यानी यहां माइनस का चिन्ह होता, तो ये माइनस हम हटा देंगे और हटाते ही
दूसरी तरफ की जो संख्याएं हैं उनके चिन्ह बदल जाएंगे, यानी जो a बटा b प्लस का है ये माइनस का हो जाएगा और जो दो माइनस का था वो प्लस का हो जाएगा। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दो माइनस ए बटा बी। तो ये चीज ध्यान रखनी है, यानी रूट की संख्या सदैव धनात्मक ही होगी। अगर पहले से है तो आपको चेंज नहीं करना, अगर माइनस की आती है तभी चेंज करना है इसको। अब देखिए एलसीएम निकाल के हल करते हैं इसको, एलसीएम कितना आएगा, बी, क्योंकि बी है नीचे। अब बी और बी तो इक्वल है, कैंसिल हो गए, ए का ए, फिर माइनस, और यहां नीचे बी है नहीं इसलिए हम इस दो को बी से सीधा गुणा कर देंगे, दो बी। अब देखो हमने ए और बी को क्या माना था कि दोनों सह अभाज्य पूर्णांक हैं, और पूर्णांकों की गणना किसी भी संख्या के साथ में या किसी दूसरे पूर्णांक के साथ में करवाई जाए तो हमेशा एक परिमेय संख्या मिलती है। कैसी संख्या, परिमेय संख्या, यानी पूर्णांकों का आपस में किसी भी तरह से कोई भी गणना करवाएं, चाहे वो प्लस हो चाहे माइनस हो चाहे गुणा भाग हो कैसा भी हो, हमें वहां से मिलती है एक परिमेय संख्या। यानी ए पूर्णांक बी भी पूर्णांक और साथ में दो है माइनस है, ये सारे मिलकर के हमें क्या देते हैं, एक परिमेय संख्या। तो हम इसको सीधा भी ले सकते हैं, परिमेय संख्या, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पूर्णांक माइनस दो इंटू पूर्णांक बटा पूर्णांक बराबर परिमेय संख्या। यानी ये सारा मान हमें परिमेय संख्या देता है और इसी के बराबर में है अंडर रूट पांच। तो इसका अर्थ ये हुआ कि जो अंडर रूट पांच है वो भी परिमेय संख्या है, क्योंकि अंडर रूट पांच भी एक परिमेय संख्या है, परंतु हम जानते हैं कि अंडर रूट पांच एक अपरिमेय संख्या है। अब हम कैसे जानते हैं कि अंडर रूट पांच एक अपरिमेय संख्या है, कल हमने सिद्ध किया था सिंगल संख्याएं, यानी पिछले वीडियो में देखा था रूट तीन एक अपरिमेय संख्या है, तो उसी प्रकार रूट पांच रूट सात रूट दो ये सारी की सारी अपरिमेय संख्याएं होती हैं। तो उसी आधार पर हम कह सकते हैं कि हम जानते हैं कि अंडर रूट पांच एक अपरिमेय संख्या है, या इस स्थिति को देखें तो ये परिमेय संख्या दे रहा है, उसी के बराबर में जब अंडर रूट पांच आता है तो ये भी परिमेय बन जाता है, यानी रूट पांच भी एक परिमेय संख्या है, ये कौन कहता है, ये पहली स्थिति। और हम क्या जानते हैं कि अंडर रूट पांच क्या है, अपरिमेय संख्या। तो ये दोनों बातें एक दूसरे की विपरीत हैं, यानी दोनों में विरोधाभास उत्पन्न होता है। और ये क्यों उत्पन्न हुआ, क्योंकि हमने जो परिकल्पना की थी, हमने जो माना था ऊपर परिमेय संख्या, वो कल्पना हमारी गलत थी। तो इस गलत कल्पना के कारण हम पुनः ये कह सकते हैं कि जो हमने परिमेय माना था वो संख्या परिमेय ना होकर के अपरिमेय संख्या है। तो हम ये बात यहां लिख रहे हैं, रूट पांच भी एक परिमेय संख्या है इसके अनुसार, परंतु हम जानते हैं कि रूट पांच एक अपरिमेय संख्या है, यह विरोधाभास हमारे द्वारा की गई गलत कल्पना के कारण हुआ है।
आता है अब वही जो हमें प्रश्न में दिया गया था पूरा लिखना है। दो प्लस रूट पांच एक अपरिमेय संख्या है, इति सिद्धम। ये था इसका दूसरा भाग सेकंड पार्ट, यानी अपरिमेय संख्याओं को सिद्ध करने के लिए दो तरह के प्रश्न बनते हैं, एक सिंगल जो हमने पिछले वीडियो में देखा और दूसरा जब इनके साथ में कोई और पूर्णांक शामिल हो जाए। बस ध्यान ये रखना है कि पक्षांतरण में संख्या कहां जाएगी, जैसे दो और रूट के बीच में प्लस का संबंध था यानी इस संख्या का चिन्ह बदलेगा, गुणा में होता है तो यह संख्या भाग में जाती है, अगर भाग में है तो गुणा में जाएगी, माइनस में है तो प्लस में जाएगी, यानी ये सारा सिस्टम जैसे समीकरण में सीखा था ठीक उसी प्रकार से चलता रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। बस आपको करना क्या है कि जिस रूट की संख्या को आप अलग निकालते हो वो अकेली होनी चाहिए और धनात्मक होनी चाहिए, धनात्मक ये जरूरी है। ये था इसका सेकंड पार्ट, यानी अपरिमेय संख्याओं को सिद्ध करने के लिए जो दो तरह के सवाल थे ये हमारे दोनों कंप्लीट हो गए हैं इस वीडियो के साथ ही। अब ये दोनों ही मोस्ट है, ये भी ध्यान रखना, मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि इस तरह का सवाल 2016 में 17 में 19 में लगातार आ रहा है और बहुत ही मोस्ट टॉपिक है ये, तो आपको अब इसी पे ध्यान देना है, इसी का अभ्यास करना है। इसके बाद में एक टॉपिक और बचेगा हमारा इस दूसरे अध्याय में से, शांत और अशांत दशमलव, यानी शांत आवर्ती वाले दशमलव, शांत दशमलव कौन से होते हैं और अशांत आवर्ती दशमलव वाले कौन से होते हैं, तो वो अपने करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक आप इसी पे अभ्यास करें। थैंक यू।